हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल फ्रेंड आरके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक इस प्रकार से है, जब आप किसी को WhatsApp में मैसेज करना चाहते हो तो आपको सिंपली क्या करना होता है, नंबर सेव करना होता है, ठीक है। उसके बाद में आप उससे चैटिंग कर सकते हो। लेकिन इस ट्रिक के अंदर में दोस्तों मैं आपको बताऊँगा, आप डायरेक्टली सिर्फ सामने वाले का नंबर टाइप कीजिए तो आप डायरेक्टली बिना नंबर सेव किए आप उसको हाय हेलो चैट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों कमाल की ट्रिक है, आप इस ट्रिक को ध्यान से देखिए। मैं कुछ अलग से ट्रिक नहीं बताऊंगा जिसमें कि आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा वगैरह वगैरह वगैरह, तो मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा आपको व्हाट्सअप में ही करना है जो करना है वो, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले तो करना क्या है, आपको यहाँ पर व्हाट्सअप में जाना है, ठीक है। आप अपने व्हाट्सअप में जाएंगे तो दोस्तों व्हाट्सअप में आ गए तो आपको सामने वाले का नंबर पता है तो ठीक है, तो नहीं तो सामने वालों को आप पूछ भी सकते हो, ठीक है। तो सेव करने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको जो मैसेज भेजना है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो मैसेज भेजना है तो देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको एक, हाँ ये मैंने इसका चैटिंग ओपन कर लिया। इसमें से मेरे को जो मैसेज इसको फॉरवर्ड करना है, ठीक है, फॉरवर्ड करना है तो मैं यहाँ पर प्रेस करके रखूँगा, ये हो गया। उसके बाद में फॉरवर्ड का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ऊपर में कुछ ऑप्शन खुल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको शेयर का ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो इतने सारे ऑप्शन ओपन हो रहे हैं जिसमें से आपको शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ओके। तो शेयर का ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर सर्च का। तो आपने तो नंबर सेव करके नहीं रखा है तो कैसे आएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सर्च वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कीबोर्ड आपका खुल जाता है जिसमें आपको यहाँ पर आपको नंबर टाइप करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सामने वाले का नंबर अगर पता है तो डायरेक्ट यहाँ पर आपको टाइप करना है, ठीक है। तो मैं टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने टाइप करना शुरू कर दिया, देख सकते हो मेरे कॉन्टैक्ट में ये नंबर सेव नहीं है, फिर भी ये नंबर व्हाट्सएप में आएगा। तो यहाँ पर मैं पूरा नंबर यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, ये तो मैंने ये नंबर यहाँ पर दोस्तों डाल दिया। उसके बाद में हमें करना क्या है, यहाँ पर सर्च वाले पर क्लिक करना है। तो एक नंबर ज़्यादा हो गया इसमें, तो दोस्तों इसको एक कम कर देता हूँ मैं, ओके 8 ज़्यादा हो गया। तो ये मैंने देख सकते हो यहाँ पर नंबर जैसे ही इंटर किया तो यहाँ पर दोस्तों ये इस बंदे का जो नंबर है यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा और जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पर हमें डायरेक्टली शेयर का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो डायरेक्टली यहाँ पर हमें शेयर का ऑप्शन मिल चुका है। तो शेयर वाले पर हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर शेयर वाले पर क्लिक करना है। जैसे मैं शेयर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर जो मैंने नंबर डाला हुआ था यहाँ पर ऊपर देख सकते हो ये नंबर यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद में हमने जो मैसेज शेयर किया है वो भी यहाँ पर शेयर हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आप डायरेक्टली बिना नंबर सेव किए किसी को भी व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। दोस्तों ये ट्रिक कैसे लगी आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर हमारा चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर